अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कैन यू स्पीक उर्दू? नो आई कैनॉट। यू कैनॉट? ओके, मतलब सलाम का जवाब दे सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फायजा। फायजा, कैसी हैं फायजा? मैं ठीक। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? अच्छा, मैं अब अंग्रेजी में आई हूँ तो उर्दू बोलना शुरू। आप ठीक हैं? यू डोंट नो उर्दू? नो। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश? इन इंग्लिश आई कैन। ओके, तो वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस? ओके, तो आप फ्रांस में तो फ्रेंच नहीं बोली जाती? हाँ, लेकिन इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। कैन यू स्पीक फ्रेंच? या ऑफ कोर्स। या ऑफ कोर्स, यू कैन स्पीक फ्रेंच एज वेल? या, फ्रेंच एंड इंग्लिश। शी इज योर डॉटर? राइट, शी इज। शी लुक्स सो प्रीटी। थैंक यू। क्या नाम है इसका? एलीन। एलीन, अच्छा। आप दोनों आपस में क्या लगती हैं? सलीन। और नाम है मानूर। मानूर, अच्छा। तो आपको पता है माय नेम इज आल्सो मानूर। रियली? या, मूनलाइट, राइट? एग्जैक्टली, मीनिंग ऑफ मानूर इज मूनलाइट। या, आई नो। एम आई लुक प्रिटी? यू डू। नो, नॉट मोर देन हर। अच्छा, मुझे बताएं, आप दोनों भाभी हैं, नन हैं, तो दोनों का रिश्ता कैसे है? कैसे ये भाभी बनी आप? लव मैरिज थी। ओके, भाई कहाँ है आपके? वेयर इज योर हस्बैंड? ही इज पैकिंग द कार। Oh, so sad. I feel sad for your husband. He's coming. अच्छा, shopping करने आए हैं आप लोग? हाँ जी, बच्चों को लेके। क्विकली आपसे पूछेंगे कि हमारा एक क्वेश्चन है, वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में फ़रोख्त होती है? पाकिस्तान में बनती है? नहीं, वैसे एक रैंडम एक क्वेश्चन है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिस मुल्क में बनती है उससे ज़्यादा वो दूसरे मुल्क में फ़रोख्त होती है? तो कुछ भी हो सकता है, कोई कपड़े हो सकते हैं, यू नो, कोई शूज हो सकते हैं। करेंसी? नो, बस करीब करीब ही हैं आप। चलें हिंट दे देती हूँ कि एयरप्लेन से रिलेटेड है। सॉरी, एयरप्लेन से रिलेटेड है। फ्लाइट्स? इनकी फ्लाइट्स दूसरी कंट्रीज में ज़्यादा चलती हैं। चलिए, इससे ज़्यादा अब मैं हिंट नहीं दे सकती हूँ। पायलट? अच्छा, आप मुझे बताएं, व्हाट यू डू? आर यू वर्किंग वुमेन? यस आई डू। या, व्हाट यू डू? आई वर्क इन अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी एज अ टीचर? या, काइंड ऑफ टीचर। अच्छा, काइंड ऑफ टीचर, ओके, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट द पाकिस्तान? व्हाट यू मीन? आई मीन, व्हाट अबाउट द पीपल इन पाकिस्तान? आर दे नाइस? या, दे आर ओवर फ्रेंडली। वेरी ओवर फ्रेंडली? yeah. चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप इनके साथ जो है वो इनको जब घुमाने फिराने लेके जाती हैं तो लोग इनको देखते होंगे लाजमी, स्पेशली पाकिस्तानी लोग। ऐसे ही है बहुत ज़्यादा। तो फिर आप किस तरह मैनेज करती हैं? बस इट्स ओके okay, अब क्या कह सकते हैं लोगों को, कोई नहीं, वो तो सही है, वो भी खुश होती हैं कि उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या देख रहे हैं या बात कर रहे हैं आके। ओके सलीम, कैन यू स्पीक सम वर्ड्स फॉर योर हस्बैंड? In French. Okay. C'est du Chanel de Glani. Tu me manques et j'ai très envie de te voir bientôt. Quel meaning est-ce que? French, eh? Moi, je n'y arrive pas. Can you speak in this English? No, only these words. Only he will know. He will know. Okay. वो हैं कहाँ वैसे? मैं बहुत excited हो रही हूँ कि इनके husband हैं कहाँ पे? पार्किंग में आ रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, नाइस टू मीट यू। आप लोग इन्जॉय करें, घूमें फिरें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। आपने देखा कि फ्रांस से वो आई थी और फ्रेंच में उन्होंने कुछ बोला जो कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। इंग्लिश में मैंने उनसे कहा बता दें, लेकिन उन्होंने नहीं बताया क्योंकि उन्होंने वो अपने हस्बैंड के लिए बोला है। तो ये रास की बातें मुझे नहीं पता क्या थी।